नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल टीचर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार प्रत्येक सरकारी विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण करती है। हर बार की तरह इस बार भी जो पाठ्य पुस्तक वितरण हुई उसकी एंट्री इस वर्ष हमें ऑनलाइन करनी थी। दोस्तों, इसके बारे में मैंने वीडियो भी जारी किया था, मैं दिखा देता हूँ वो वीडियो आपको। ये देखिए दोस्तों, ये रहा वो वीडियो। शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की एंट्री विद्यालय लॉगिन से किस प्रकार करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस वीडियो को पहले देख लें कि किस प्रकार आपको वितरण करनी है। इसके साथ साथ मैंने ये नोडल विद्यालय हेतु भी जारी किया था वीडियो, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की एंट्री नोडल विद्यालय किस प्रकार करेंगे। दोनों वीडियो का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप दोनों वीडियो आराम से देख सकते हैं। अभी तक आपने अगर एंट्री नहीं की है तो वीडियो को देखकर आप आराम से एंट्री कर पाओगे। यहाँ बात आती है दोस्तों, जब मैंने ये वीडियो जारी किया तो कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए हजारों की संख्या में कि सर, जो हमने FTB न्यू प्रोफाइल बनाई, यानी अगर हम जब एंट्री करते हैं शाला दर्पण पर, तो न्यू प्रोफाइल में एंट्री पाठ्य पुस्तक को पहले सेलेक्ट करना होता है। जब हमने सेलेक्ट किया तो हमारे गलती से पुस्तक गलत सेलेक्ट हो गई, यानी कि हमें पुस्तक तो ये सेलेक्ट करनी थी, हमने नीचे वाली सेलेक्ट कर दी, गलती से वो सेलेक्ट हो गई है। तो इसको अब शाला दर्पण से जो गलत पाठ्य पुस्तक है उसको रिमूव कैसे किया जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि शाला दर्पण पर जो गलत सेलेक्ट पुस्तक हो चुकी है उसको रिमूव किस प्रकार किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे मोस्टली बेनिफिट दोस्तों आपको ये रहेगा कि आगे आने वाले हर एजुकेशन संबंधी न्यूज़ आप तक सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब FTB यानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की, और जो गलत एंट्री हो गई है उसको शाला दर्पण से रिमूव किस प्रकार किया जाए। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत में लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले गूगल क्रोम में, टाइप करेंगे राजरमसा। ये देखिए दोस्तों, हम शाला दर्पण की होम साइट पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, मैंने लॉगिन प्रोसेस नहीं बताया क्योंकि दोस्तों लॉगिन आप सभी को करना आता है, इसलिए मैं सीधा ही आपको वेबसाइट पर लेके आ चुका हूं। दोस्तों, यहां पे आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे डैशबोर्ड, स्कूल, स्टाफ, स्टूडेंट, स्कीम। यहाँ आपको सीधा ही जाना है स्कीम में, ठीक है दोस्तों। स्कीम के अंतर्गत आपको कई तरह के सब ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये निःशुल्क यानी फ्री टेक्स्ट बुक, FTB फ्री टेक्स्ट बुक्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, ये आप सेलेक्ट कीजिए। फ्री टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करने के बाद सब ऑप्शन और खुलते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऊपर वाले ऑप्शन हैं, FTB न्यू डिमांड बाई नोडल, FTB न्यू रिसीव बाई नोडल, FTB न्यू डिस्ट्रीब्यूट बाई नोडल, ये विद्यालय के लिए नहीं है, ये नोडल विद्यालय हेतु है। आपको क्या करना है, अगर आप अधीनस्थ विद्यालय हैं तो आपको सबसे पहले FTB न्यू प्रोफाइल बनानी होती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये होता है कि FTB न्यू रिसीव बाई नोडल कितनी रिसीव हुई है और डिस्ट्रीब्यूट कितनी हुई है। इसकी प्रोसेस मैंने दूसरे वीडियो में बता दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे FTB न्यू प्रोफाइल जो गलत सेलेक्ट हो गई है उसको रिमूव किस प्रकार किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम FTB न्यू प्रोफाइल में चल देंगे। यहाँ चलने पर दोस्तों हमें एक विशेष नोट मिलता है जो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए, विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। यानी पुस्तकों का वितरण करने से पहले आपके विद्यालय में कौन कौन सी पुस्तकें चल रही है वर्तमान में, उसको सेलेक्ट करना अनिवार्य, यानी प्रोफाइल बनानी होती है। दूसरा जो विशेष पॉइंट आ रहा है कि विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका भी तोड़ हमने निकाल लिया है, यानी अब हम आपको दिखाएंगे कि पुस्तक आपने अगर सेलेक्ट कर ली है और बाई चांस आपसे गलत सेलेक्ट हो गई है तो उसको रिमूव हम करके दिखाएंगे, बाई प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो क्लास ग्रुप है वो क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना है। क्लास ग्रुप में देखिए, दो ग्रुप आपके सामने हैं, 1 to 8, 9 to 12। यानी अगर आप पहली से पाँचवीं तक आपकी विद्यालय है तो भी आप यही सेलेक्ट करेंगे, पहली से आठवीं तक है तो भी यही सेलेक्ट करेंगे, अगर आप 12वीं तक वाला है तो ये सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं 1 से 8 सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके नीचे आ रहा है गो बटन, क्लिक कर देते हैं। गो बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने दोस्तों पुस्तकें शो हो जाती है। ये देखिए, ये है वो सीरियल नंबर,
ये क्लास, ये सब्जेक्ट, ये बुक नेम, फिर चेक टू सेलेक्ट बुक। यहाँ से हमें अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने ये पुस्तकें सेलेक्ट हमारी की हुई है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि आपको बाई प्रूफ कि हम इसको किस प्रकार रिमूव कर सकते हैं अगर बाई चांस हमसे गलत सेलेक्ट हो गई है तो। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 14 नंबर की बुक है, क्लास फर्स्ट हिंदी, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए सेलेक्ट हो गई। इसके अलावा अगर आप कहते हैं ये 20 नंबर, एक 14 नंबर हमने सेलेक्ट की है, 14 नंबर हिंदी, ये राइट का निशान लगाना है, 20 नंबर कक्षा थर्ड की हिंदी, ये कक्षा थर्ड की हिंदी हो गई सेलेक्ट। अब नीचे चलते हैं। नीचे चलने पर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन सेव ऑल का, ये देखिए आप इस पे क्लिक कर दीजिए, सेव ऑल हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मैसेज ओपन होता है, डाटा सेव सक्सेसफुली, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने पुस्तक सेलेक्ट की है वो हमसे गलत सेलेक्ट हुई है। ये देखिए 14 नंबर हिंदी, बाकी तो हमने पहले सेलेक्ट कर रखी थी, और एक 20 नंबर हिंदी जो मैंने आपको दिखाई थी। अब हमें इसको रिमूव करना है कि हमारी ये पुस्तक है वो हमसे गलत सेलेक्ट हो गई है। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपके पास में, इसी के पास में आ रहा है चेक टू रिमूव ऑप्शन ब्लॉक, यानी चेक टू रिमूव बुक। बुक को अगर रिमूव करना है यहाँ सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जो जो पुस्तक हमने सेलेक्ट की है उस सभी को अगर रिमूव करना चाहते हैं, या जो पुस्तक गलत हो गई है उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर जो मैसेज आ रहा है वो भी यही कह रहा है कि एक बार पुस्तक अगर सेलेक्ट हो गई तो रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। अगर हम इसको सेव ऑल पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक मैसेज दिखाएगा, प्लीज चेक एटलीस्ट वन चेक बुक टू सेव बुक, यानी हमारा जो काम है वो अधूरा है, यानी अगर ये जो सेलेक्ट की हुई है वो रिमूव नहीं हुई है पुस्तक। ये देख लीजिए दोबारा आपके सामने वही राइट का निशान लगा आ रहा है। अब बात आती है रिमूव किस प्रकार किया जाए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो जो पुस्तक सेलेक्ट की है वो एक साथ रिमूव नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उसको एक एक करके रिमूव करेंगे तो आपकी पुस्तक आसानी से रिमूव हो जाएगी। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए 14 नंबर से लगा के हमने 20 नंबर तक की पुस्तकें सेलेक्ट की हुई है, बाकी जो राइट है उसको हटा देते हैं दोबारा, ये देखिए आपके सामने, ठीक है। अब एक ही सेलेक्ट की हुई है, 14 नंबर हिंदी, और दोनों तरफ राइट है, पहले सेलेक्ट की थी, अब इसको रिमूव का राइट भी आपके सामने आ रहा है। अब नीचे चलकर सेव बटन पे क्लिक करते हैं, सेव ऑल पे, ये देखिए अब देखिए मैसेज आ गया, डाटा सेव सक्सेसफुली। क्लोज कीजिए इसको। क्लोज करने के बाद ऊपर चलेंगे हम। ऊपर चलने पर आपको पता है कि 14 नंबर वाली बुक थी, ये देखिए 14 नंबर क्लास फर्स्ट हिंदी, यहाँ हमें टिक मार्क था वो हट चुका है, यानी वो जो ऊपर मैसेज आ रहा था कि एक बार सेलेक्ट करने के बाद आप पुस्तक को रिमूव नहीं कर सकते, उसका हमने तोड़ निकाल लिया है। अगर आप चाहते हैं एक और मैं दिखाऊं, तो ये देखिए यहाँ 20 नंबर तक हमने सेलेक्ट की थी, तो कोई भी बीच में से उठा लीजिए जिसको आपको रिमूव करना है, जैसे मैं 17 नंबर की उठा रहा हूँ, ये देखिए राइट का निशान लगाया। यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि पुस्तक को एक ही सेलेक्ट करना, एक को रिमूव करना है। सेव बटन पे क्लिक कीजिए, 17 नंबर वाली भी हट जाएगी, ये देखिए। अब वापस ऊपर चलते हैं, ये रही, ये देखिए दोस्तों 17 नंबर हिंदी की बुक है वो हट चुकी है। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक और पुस्तक को आपको दिखाऊं, जैसे 20 नंबर, दोस्तों हमने 16 नंबर की पुस्तक सेलेक्ट की है, ये रही 16 नंबर इंग्लिश, ये देखिए। अब नीचे चलते हैं और सेव ऑल पे क्लिक करेंगे, ये सेव ऑल, हमारे पास डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, उसको क्लोज करेंगे और वापस ऊपर जाकर देखेंगे 16 नंबर की बुक। तो यहाँ देखिए दोस्तों 16 नंबर की जो बुक हमने सेलेक्ट की थी वो वापस रिमूव हो चुकी है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा आपने कि हमारे द्वारा अगर गलती से भी गलत पुस्तक सेलेक्ट हो रखी है तो हम इसको रिमूव किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही,
लेकर आएंगे आपके लिए एक और नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।